wanna be delivered to the बैक टू माई YouTube चैनल अगेन। आज हमारा है यहाँ पर थर्ड डे मनाली में, और जो कि आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं जिस्पा के लिए। अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं और मैंग भाई जो है वो निकल भी चुके हैं, उनके बाइक में थोड़ा बहुत काम होना था, वो निकल चुके हैं आगे। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपना बैग पैक हो चुका है लगभग, मेरा भी होने ही वाला है, हो ही चुका है बैग, बस थोड़ा सा उसमें से कुछ सामान निकाल के इसमें रखूँगा और रेनकोट है मेरा उसमें रखूँगा, क्या पता कब बारिश आ जाए भाई, ठीक है। और ये टॉप बॉक्स भी अपना पैक ही है, ठीक है, बस अब फटाफट पैक करके निकलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट करके आगे बढ़ते हैं, मिलते सीधे बाइक पे। लो भाई हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया पूरा कंप्लीट, फटाफट से उसको खाते हैं, उसके बाद तैयार होकर के निकलते हैं जिस पा की तरफ। तो गाइस ऊपर से सामान उतार के लेके आ रहा हूँ यार, भाई देखो अभी है, दो बैग है, हेलमेट है, टैंक बैग है यहाँ पर, अभी टॉप बॉक्स भी ऊपर है, फिर दोबारा जा रहा हूँ लेने के लिए, टॉप बॉक्स भी यार भारी है, पहले हेलमेट रख लेता हूँ यहाँ पे भाई। सो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं बाइक पर अपने और सब तैयारी हो चुकी है, लोग निकल चुके हैं हमारे साथी और जो उधर, और मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ पर भाई। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक मोड़ है, यहाँ साला डर लगता है, देखते रहना भाई, यहाँ ज़्यादा ख़तरनाक है यार थोड़ा। हाँ थोड़ा सा और बस, थैंक यू भाई। चलो गाइस उतर चुकी है बाइक, यहाँ पर थोड़ा मोड़ पे ना डर लगता है यार, उस पर सब तो ओके है ना, कुछ रहा तो नहीं, टॉप बॉक्स बैग वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ओके, लेट्स गेट स्टार्ट दिस राइड फ्रॉम मनाली टू जिस्पा। टाइम है 11:23, थोड़ा ऊपर निकाल लेता हूँ पहले मैं भाई। जो हिडिम्बा रोड है ना मंदिर के पास वाला, वहाँ से लेकर माल रोड तक पूरा जाम ही जाम मिलता भाई, मैक्सिमम जाम मिलता है। उसके बाद से अब यहाँ पे आ चुके हैं, देखो अभी पीछे माल रोड छोड़ा, अब आ चुके हैं मेन हाईवे पर, सीधा चल रहे हैं, वहाँ से चल रहा भाई सीधा, मैप तो लगाए हैं अभी, बट अब लगता है मैप लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा रुक करके बात करते हैं या तब पूछते हैं क्या करना है भाई। वैसे भाई हरिंदर भाई जो है एक्सपीरियंस्ड है भाई, पहले जा चुके हैं लद्दाख के, हम तो नहीं गए, हम सभी लोग पहली बार जा रहे हैं, तो इसका हमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए भाई जिसको पता हो वहाँ के बारे में, कहीं भी जाए उस जगह के बारे में पता हो तो थोड़ा सा सही रहता, अपने को बेनिफिट होता है इस चीज़ का। सो गाइस देख रहे हो ये जो उस टाइम आपदा आई थी बाढ़ वाली, उसके चक्कर में पूरा टूटा हुआ तो उधर बन रहा है। सो गाइस यहाँ से जो अटल टनल है 24 किलोमीटर बच रहा है, और आज हम कितने किलोमीटर चलने वाले हैं उसके लिए मैंने अभी अभी ट्रिप सेट किया यार। वैसे हम लोग आ चुके हैं अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास आ चुके होंगे, उसके बाद से अभी सेट किया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, 24 किलोमीटर बचा भाई अटल टनल, चलते हैं। गर्मी अभी भी हो रही है यार भाई, इधर देख रहे हो कितना चौड़ा हो गया भाई ये रोड, ये सब उसमें टूट गया होगा शायद जब वो पिछले साल आया था, इधर का भूचाल आया था पूरा, बारिश में बाढ़ बाढ़ आई थी जब, बहुत चौड़ा है वरना इतना चौड़ा थोड़ी होता है। तो यहाँ देखिएगा सोलंग वैली 12 किलोमीटर, अटल टनल 20 किलोमीटर बचा है, लेह वगैरह सारा लिखा हुआ था भाई, बट इतना कहाँ पढ़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा लिखा था। और थे कहाँ से कहाँ तक, कश्मीर राइड है भाई, जोधपुर से भाई कश्मीर राइड की कर रहा है भाई ये साइकिल पर भाई। लोकेशन देखो यार, यहाँ पर पूरे लगे रखे झंडे जो पहाड़ी फ्लैग है, और यहाँ पर देखो पूरा क्या व्यू है, हम इस पर अभी हाइट पर है यहाँ पर, और यहाँ से पूरा मस्त व्यू आ रहा है, देख रहे हो उधर तक पूरे पहाड़ पे बर्फ लगे हुए हैं, वहाँ देखो पूरे यहाँ पर देखो सोलन वैली जो है, सोलंग वैली 5 किलोमीटर बचा है बस, और अटल टनल बचा है 17 किलोमीटर। पीछे हम लोग रुक करके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे DSLR से मोबाइल से भाई, मज़े आ गए बहुत, मस्त मस्त फ़ोटोज़ आई है, और फ़ोटोज़ को देखने के लिए भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो करो,
और वो इंस्टाग्राम पर आएगी फोटोज जितनी है, आप उस पर जा करके चेक करो भाई फोटोज कैसी आई है, लाइक जरूर कर देना भाई। गाइस ये देख रहे हैं फूल आया एक मस्त सा फुल ग्रीन कलर में, और सामने का जो पूरा व्यू पॉइंट मिल रहा है ना यहाँ से, एक नंबर का मिल रहा है यहाँ से भाई। भाई इधर के नज़ारे देखो यार, कितना बेहतरीन लग रहा है। और लाइन से सारे राइडर निकल रहे हैं भाई। सुबह से हम इधर आ चुके हैं सलोन वैली बिल्कुल, और वहाँ पर देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है। ऊपर भी देखो, ऊपर दिख रहे दो, ये इस तरफ है पूरा। एक और वहाँ पर तैयार हुआ देखो, एक और बंदा थोड़ा वहाँ पे स्टार्टिंग से, एक और बंदा पैराग्लाइडिंग के लिए चालू हो गया, उड़ने लग गया देख रहे हो। हो रहा भाई अटल टनल 11 किलोमीटर बचा हुआ है, और दार 88 पदम होकर के हमें जाना तो 231 किलोमीटर तो वो है, और लेह टोटल बचा है 414 किलोमीटर। भाई देखो यहाँ पैराग्लाइडिंग से ना नीचे उतर रहा बंदा, अभी एक तो उतर गया दूसरा उतर रहा, देखो उधर किस तरीके से वो बना रहा है ये। अरे वो भाई एकदम से गिरा है तो फट से लगी होगी इसको चोट शायद। भाई देखो यहाँ पर सारे बाइक यहीं लगा दे और यहाँ रुके हुए, देखो इतना अच्छी लोकेशन है ये। मेन सलोन वैली से ना थोड़ा आके आके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए, और हमारी बाइक वहाँ लाइन से लगी हुई है, और सारे बंदे यहाँ बैठ करके फोटोज़ वगैरह देख रहे हैं और इधर उधर स्टोरी लगा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में आगे निकलेंगे, मैंग भाई आ रहे हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में। भाई मैंग भाई तो आ गए थे, उसके बाद से हम लोग यहाँ निकल चुके हैं, और इधर का व्यू देखो। अभी रुको इधर से दिखलाता हूँ, अटल टनल वैसे आने ही वाला थोड़ी देर में, और वहाँ पर रुकेंगे फिर फोटोज़ वगैरह लेंगे कुछ, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। और अभी अपने पास अभी वो 2:30 बज रहे हैं, टाइम बहुत है, किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं किलोमीटर। गाइस यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं सारे बंदे, मैं नहीं डलवा रहा अभी भाई, मैं इसलिए नहीं डलवा रहा कहीं पता नहीं, बोलते भाई अटल टनल के, अटल टनल से ना बोलिए कि नहीं जाने देते पेट्रोल, ऐसा कहते हैं। अब पता नहीं भाई कहीं नहीं ले जाने दिए तो गड़बड़ जाए ना, मेरे पास पेट्रोल रखा हुआ भाई 5 लीटर मेरे बैग में, तो मैं इसको रखे रहता हूँ, अभी पेट्रोल डलवा लूँगा आगे सिस्सू में है पेट्रोल पंप, वहाँ डलवा लूँगा अभी के लिए चलता हूँ। अगर कहीं नहीं ले जाने दिए पेट्रोल अटल टनल से, तो मैं उस बोतल का डाल दूँगा ना पेट्रोल बाइक के अंदर भाई, और फुल करवा लूँगा, अभी तो कहाँ डालूँगा, चक्कर ये पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ है, और जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम अटल टनल आ गए भाई, वो देखो सामने मज़ा आएगा भाई, ये भाई बहुत लंबी टनल यहाँ पर, ये देखो अटल टनल आ गए ये देखो भाई, इसलिए भाई यहाँ पर ना थोड़ा ज़्यादा जाम लगा हुआ है, देख रहे सारे बंदे फोटो खिंचवाने के लिए से लाइन से लगा रखा है यहाँ पे, मैं भी यही लगा देता हूँ बाइक को, और फटाफट फोटो लेंगे क्योंकि भीड़ हो जाएगी नहीं तो भाई। हाँ हाँ सामने का व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अटल टनल पर, यहाँ पे हमारी सारी बाइकें लाइन से लगी हुई है, और इधर देखो अटल टनल फोटो हो गई है, एक फ़ोटो लिए बस अभी, बाकी मैं देख रहा हूँ एक आधे फ़ोटो और लेंगे, वरना उसके दूसरी साइड जा करके फिर वहाँ पर लेंगे फ़ोटो। मेन वहाँ पर टनल स्टार्ट होती है देखो, ये बंजारा व्लॉग्स 350 हाँ यही है भाई। भाई हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और ये अटल टनल हम लोग यहाँ पर पहला गेट क्रॉस कर रहे हैं, वाह लो भाई हम सीधे टनल के अंदर जाते हैं भाई, 1 2 3 गो, हर महादेव आगे अटल टनल भाई, क्या हाल है भाई, कितने दिनों से सोचा था यार ये सपना तो हो जाए भाई अटल टनल वाला, पता नहीं कब होगा, फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हमने अटल टनल भी एक चूज कर लिया, और इसको बस अब क्रॉस करने वाले कुछ ही देर में भाई। और ये कितना किलोमीटर का है देखना भाई, यहाँ पे मेरे वैसे भी पेट्रोल डलवाए नहीं थे ना मैंने, मेरे बता जाओ तो अभी 1 ट्रिप पर लगी पता चल जाएगा कितना किलोमीटर का है, 14-15 किलोमीटर कुछ तो बताते ही है,
फोर्टी की स्पीड बता रहा है, क्या बता रहा है चलाने के लिए बंदा? वो उस तरफ पहले तरफ पर जाम लगा हुआ भाई, दूसरी साइड पूरा जाम लगा हुआ है। इस तरफ तो अपना ठीक है, चल रही है बाइक 8 किलोमीटर नॉर्थ पोर्टल, 8 किलोमीटर है सर वो नॉर्थ पोर्टल बता रहा। कुछ ठंडा ठंडा फील हो रहा है भाई इसके अंदर, और पूरे मजे आ रहे हैं भाई टनल के अंदर भाई। 8-8.5 किलोमीटर के आसपास ही है भाई ये अटल टनल, और हम लोग ने अटल टनल भी ये लो भाई क्रॉस कर दिया। अब इधर कहीं बाइक देखते लगाते हैं और फिर फोटो लेते हैं। ये लो भाई आ गया भाई बाहर। क्या भाई बाइक लगाने नहीं देंगे क्या? नो पार्किंग ऑन रोड बोल रहा। ये रहा भाई देखो इस तरफ से व्यू, आगे चलो आगे आगे। अटल टनल भी भाई क्रॉस कर दिया हमने, उधर रुके ही नहीं आ रहे तो आ गए। बट कोई नहीं, एक फोटो हो गई ना काफी है। अब भाई देखो यहाँ पर क्या है, रोहतांग 27 किलोमीटर है, कहाँ 124 हमें जाना है, लेह की साइड हम चलेंगे इस तरफ में। सो भाई सारे बाइकर्स यहाँ रुके हुए अपने भाई, अटल टनल पीछे है ठीक है, और यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है, उसके बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ। अरे पीछे देखो ये बर्फ बहुत पुरानी बर्फ है भाई, ये बताते हैं अरिंदर भाई की गलती नहीं चलती है, बहुत पुरानी है। सो भाई अटल टनल को कुछ दिनों के लिए बाय बाय कहते हैं, और हम लोग बढ़ते हैं सीधे आगे जिसवा की तरफ। अब अभी तक हमारे जो टोटल किलोमीटर्स कवर हुए हैं मनाली से मात्र 35-36 किलोमीटर ही हुए हैं भाई, अभी तो बहुत लंबा चलना है भाई। चले चलो। सो गाइस काफ़ी मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ, बाकी बंदे आगे पहुँच गए। मैं ना ये Insta360 को थोड़ा सा उसके जो बड़े वाली स्टिक है उसको रख रहा था और इसको नीचे कर रहा था Insta360 को, क्योंकि अब जो नज़ारे हैं ना थोड़ा सा बहुत वाइड वाइड वाला आने वाले, और इसमें वो स्टिक दिखेगी तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इस चक्कर में मैंने उसको रख दिया। और ये जो है देखो इधर तक पूरा, इधर ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है भाई, इधर दिख रहा है ये जितने पहाड़ों पे इतने सारे पत्थर दिखते हैं ना गिरते हुए, पता चल जाता है इससे कि भाई इधर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है इधर। अरे रास्ता कैसा ख़राब है भाई, इतना रास्ता ख़राब। अच्छा इधर ये दो रास्ते हैं क्या, आगे सही है रास्ता, इधर ख़राब है थोड़ा सा। वो पानी का बहाव बहुत तेज है यार, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा एरिया लग रहा है, बहुत बड़ा एरिया। व्यू बताओ भाई कैसा लग रहा है, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, कर दो भाई क्या हो जाएगा यार, इतनी मेहनत से हम लोग आए हैं यहाँ पर, कर दो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दो प्लीज़। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर दो सब्सक्राइब, और शेयर कर दो यार दोस्त को अपने किसी को, बाकी कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा ना, कमेंट कर दो। टनल पार करने के बाद कुछ देर चलेंगे ना, तो यहाँ पर अपने लेफ्ट साइड में एक लेक दिखाई देगा, देखो देख रहे हो उधर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं, वहाँ पे कैंप भी दिख रहे हैं, कुछ टेंट है, कैंप है, टेंट है, दुकान वकान के होंगे। इधर बोट भी है, बोट तैर आ रहे हैं। चलो भाई सिस्सू विलेज अगर सिस्सू है तो यहाँ पेट्रोल पम्प होना चाहिए शायद, पेट्रोल डलवा लूँगा भाई मैं, क्योंकि मेरे बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया। सो गाइस हम लोग लेक से थोड़ा बहुत और आगे आ गए थे, और यहाँ पे हमारी बाइकें लगी हुई है, और बाइकें लगने के साथ साथ यहाँ पर देखो हमने इस कैफे के पास अपना एक लगा दिया स्टिकर, एक HRV का और एक ये मेरे चैनल का है कि नहीं, सब्सक्राइब करो। चलते हैं ऊपर खाना खाएंगे अब। गाइस यहाँ पे खाना खाया हमने सुसु रसोई पे, काफ़ी अच्छा खाना, और वहाँ पे हमारे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, आना तो ज़रूर देखना, और भाई कमेंट जरूर करना फिर कि भाई हम भी आए थे, और खाना बढ़िया था यार, कुछ भी कहो जो भी हो, थोड़ा बहुत महंगा तो है बट खाना ठीक था। चल रहे हैं अब यहाँ से निकल गए, पता नहीं बात चल रही कि जिस पर रुकना था वैसे तो हमें, बट केलोंग की बात कर रहे हैं अब तो रुकने के लिए,
लॉन्ग रुकेंगे। अरे भाई रुक जा भाई, चलो 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 चलो। हा 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 देखा भाई, हटा देना हा 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 करके। हा 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 निकल गया भाई, यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। केलोंग की तरफ बढ़ रहे, देखते हैं कितना दूर है, कहीं ना कहीं बोर्ड तो दिख ही जाएगा। और थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है तो मैंने लाइनर पहन लिया हुआ है, क्योंकि ठंड लग रही है। आगे फिर रुक करके दोबारा पहनना पड़ता है, इससे अच्छा कि पहले पहन लो, क्योंकि जब रुके हुए थे तो 6:28 हो गए। और ना अभी तक हम लोगों ने कवर किया होगा ऑलमोस्ट 62-63 किलोमीटर के आसपास ही कवर किया हुआ है। अब पता नहीं मेरे हिसाब से केलोंग रुक रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुंच रहे हैं भाई। और मेरे बाइक में पेट्रोल भी नहीं है, अभी तक तो पेट्रोल पम्प मिला नहीं भाई, होटल टनल वाले चक्कर में डलवाया नहीं था ना। कोई बात नहीं, अभी चल जाएगी बाइक, कभी एफ ट्रिप पर लग रही है कभी हट जा रहा है, क्योंकि पहाड़ है तो यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहता है ना टैंक, तो इसलिए हट जा रहा है कभी लग जा रहा है एफ ट्रिप पे। बाकी मेरे पे पेट्रोल हैगा एक्स्ट्रा, अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको फिल कर लूँगा भाई। देखो भाई एफ ट्रिप पर है ना, ये कभी हट रहा है कभी लग रहा है, और सामने देखो इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प मिल गया। अब पेट्रोल फुल करवा लेता हूँ भाई। अब मैं बताऊँ इससे पेट्रोल कितने का आएगा, रेट पता नहीं, पहले रेट देख लो फिर बताता हूँ मैं भाई। पेट्रोल पेट्रोल किधर है, इधर ही चल है, परली तरफ है क्या, वहाँ है वो रहा। 97 है क्या, अच्छा इस हिसाब से 1000 रुपये पार जाएगा भाई, 1000 रुपये का आएगा अराउंड पेट्रोल। प्राइस पेट्रोल अभी तो महंगा नहीं है, 97 रुपीज़ ही है, और इसमें आया मेरे बाइक में पेट्रोल आया भाई 970 रुपये का आया, 969 का था, 970 रुपये का आया मान लो। सही है यार, मतलब अभी इसमें पेट्रोल था, मतलब अभी काफ़ी पेट्रोल था इस हिसाब से ना, बढ़िया हो गया काम। अब बिना टेंशन के चलो, अब ले ही मिलेगा पेट्रोल सीधा, वही मिलेगा अब। गाइस यहाँ पे देखो केवलम 9 किलोमीटर और 12 ला चला, अभी 82 किलोमीटर है यहाँ से, जिस पर आया था इसने दिखाया नहीं यार। देख रहे हो वो वाला जो पहाड़ है ना, पूरा भरा हुआ है बर्फ़ से पूरा, इधर तो फिर भी कम लग रहा है बट उधर का पूरा भरा, उसके ऊपर की तरफ बिल्कुल वहाँ ऊपर की तरफ पूरा भरा, पूरा बिल्कुल वाइट लग रहा है, बिल्कुल वाइट। उधर रोड देखो नीचे का, रोड दिखाता हूँ एक सेकेंड को। देख रहे अभी हमको इधर जाना है क्या भाई, हाँ ये ना यूं हमें जाना है इस रोड पे, अभी यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। अभी यहाँ से टांडी 2 किलोमीटर बाकी है, और रोड कभी काफ़ी सीधे सीधे भी आ रहे हैं यहाँ पर। कार आ रही है भाई, तेजी में निकालना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ और मैं कह रहा हूँ रोड काफ़ी सही आ रहे हैं अभी, मतलब भाई अब जो है ना केलोंग आ ही गए, मात्र 1 किलोमीटर और बचा हुआ है केलोंग के लिए। और यहाँ से देखो हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पर लगभग आ चुके हैं, और नीचे बिल्कुल ना काफ़ी गहरा खाई दिख रही है बहुत नीचे तक। ये क्या है, ये चेक पोस्ट है क्या भाई, यहाँ पे पेट्रोल पंप सर। पीछे की तरफ बैठा था, पीछे है ना, पीछे की तरफ आगे पकड़ के हैंडल। हेलो क्या कैमरा, हेलो
हेलो हेलो चॉकलेट हेलो टेढ़ी हो गई थोड़ी सॉरी अरे नो खाओ कोई बात नहीं अच्छा खा रहे हैं ओके। सो गाइस फिलहाल अभी हम हैं केलोंग में और यहीं पर हम लोग आज रुक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, आगे ज़्यादा महंगे रूम्स हैं इसलिए हम लोग यहीं रुक रहे हैं आज। ये देखो। सो गाइस अभी हम रुके हुए हैं केलोंग में और केलोंग इसलिए रुके हैं क्योंकि आगे जिस पर जो हम जाते तो यार वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे महंगे रूम मिल रहे थे इस टाइम पर, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए। बाकी ज़्यादा दूर नहीं बचा, 20-22 किलोमीटर के बचा होगा। ठीक है, तो हम लोग केलोंग में रुक गए, यहाँ थोड़ा सस्ते में मिल गया हमारे को रूम जान पहचान से, मतलब कि जल्दी मिल गया थोड़ा आराम से, है ना। और हम जाएंगे अब कल सुबह के टाइम सीधे ले और जिस पर होते हैं मतलब सीधा ले निकल जाएंगे कल। अभी के लिए जो है केलोंग में हम लोग रुक चुके हैं, यहाँ पे हमने अपना रूम ले लिया, देखो ये हमारे रूम की हालत। ठीक है, और मैंने खाना भी खा लिया अपना भाई, मैं नीचे गया था खाना वाना खा के आ चुका हूँ मैं, अब जा रहा हूँ अपना थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा, कल मिलूंगा आपको सीधे बाइक पर। और वीडियो बताना कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।